टेंट में और जब जब इस चीज का बोध हुआ मैं मानता हूँ देरी हुई। आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना YouTube चैनल मल्टी इन्फॉर्मेशन बाय अमित। आज बसोली के रामलीला मैदान में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य पर दिवाली मनाई गई। दीपों की माला आप यहां पर देख सकते हैं। अदे इधर गल सुना आप देख सकते हैं ये बसोली का रामलीला मैदान है जो दीपकों से जगमगाया है आज। हमारे सामने खड़े हैं उदित उपाध्याय जी जो कि रामलीला में भगवान राम का रोल जो है वो निभाते हैं। एक बहुत ही महान कलाकार हैं। इनसे बात करते हैं अयोध्या मंदिर के बारे में। जय श्री राम। अनिल जी, पहले तो आपने जो कहा महान कलाकार, मैं महान नहीं हूँ, महान प्रभु श्री राम है और उनकी कृपा है कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हमें यहाँ अवसर दिया कि हम उनके रूप को यहाँ लोगों के सामने दिखा सकें। और वैसे मैं मानूँ तो इतनी क्षमता मेरे में नहीं है, मगर जो है वो प्रभु के आशीर्वाद से है। तो प्रभु श्री राम जी की जय। अयोध्या के लिए हमें पूछा तो आज अयोध्या में भव्य अनुभूति हुई है समस्त भारतवर्ष को। जो अयोध्या में आज रामलला जी का जो आगमन हुआ है, मैं मानूंगा 500 वर्षों के बाद पुनः आज वो घड़ी आई है जब हम गौरव से कह सकते हैं जय श्री राम। हम सब अपने अपने घरों में, आलीशान बंगलों में, और मैं बताऊं परिवारों में इतने व्यस्त थे कि हमें यही भूल चुका था कि प्रभु श्री राम अभी भी बिना घर के हैं, टेंट में हैं। और जब जब इस चीज़ का बोध हुआ, मैं मानता हूँ उसमें थोड़ी देरी हो गई। जब ये आंदोलन शुरू हुआ, आंदोलन के बाद आज ये दिन हमें देखने को मिल रहा है। इसमें सब कार सेवकों की, जितने भी पूर्व कार्यकर्ता हुए उनकी, और जितने भी लोग जिन्होंने विशिष्ट भूमिका इसमें निभाई है, इस आंदोलन में निभाई है, मैं उन सब को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक होकर उनको प्रणाम करता हूँ। और आज उनकी वजह से आज हमें ये दिन देखने को मिल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा प्रभु श्री राम जी की, रामलला जी की अयोध्या में हुई है। निश्चितः भारतवर्ष के लिए बड़ा गौरव का क्षण है, सनातन सभ्यता के लिए बड़ा गौरव का क्षण है। और जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अब काल चक्र बदल रहा है, वो देख रहे हैं, और इसी प्रकार से मैं भी कहना चाहूँगा कि काल चक्र बदलेगा और भारत विश्वगुरु बनेगा, और भारत विश्वगुरु अवश्य बनेगा। मैं सभी सर्व समाज से यही कहूँगा कि सब मिलजुल के रहें, आपसी भाईचारे के साथ रहें, प्रेम के साथ रहें, तब काम करें। इस प्रकार से गिलहरी ने भी अपना योगदान प्रभु श्री राम के उस सेतु निर्माण में दिया था, उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति, चाहे निश्चित मात्र चाहे हल्का सा भी, अपना योगदान दे तो अवश्य दे, और सनातन सभ्यता और आगे बढ़े, अच्छे से बढ़े और सौहार्द बना रहे, भारतवर्ष महान बने।
बस इसी कामना के साथ आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।